हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। कैसे आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 26 T20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर गायंस के बीच में। दोस्तों, अगर मैच के पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। ये मैच होने वाला है 19 अप्रैल को। इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर इंडिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड, दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वहीं पहली टीम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो जहाँ 5 मैच में से 4 मैच जीत के आ रहे थे, वहीं 1 मैच हार के आ रहे। वहीं दूसरी टीम अगर लखनऊ सुपर गायंस की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है, 2 मैच हार के आ रही है। अगर टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पे राजस्थान रॉयल्स 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पर राजस्थान रॉयल्स 2 मैच जीत के आ रही है, वहीं लखनऊ सुपर गायंस 0 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर भी राजस्थान रॉयल्स 2 मैच से आगे चल रही है। तो फ्रेंड, ज्यादा देर न करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 10 मैचेस में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां पर राजस्थान रॉयल्स का 70% देखने को मिल रहा है, तो वहीं लखनऊ सुपर गायंस का 50% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स का 175 है, तो वहीं लखनऊ सुपर गायंस का 171 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स का 203 है, तो वहीं लखनऊ सुपर गायंस का 213 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स का 130 है, तो वहीं लखनऊ सुपर गायंस का 82 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर दोनों का लगभग इक्वली परफॉर्म देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज का मैच है, वेदर कैसी रहेगी, तो हैजी सनशाइन देखने को मिल सकती है। वहीं अगर सेल्सियस की बात की जाए तो 37.8 सेल्सियस रहेगी। वहीं अगर ह्यूमिडिटी देखें तो 17% रहेंगे। वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज का मैच का वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पर कैसा होने वाला है। तो इस पिच का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 155-57 रन जा सकते हैं। अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में लगभग उतना ही रन में भी 45-50 के लमसम में रन जाएगी। इस पिच पर अभी तक टोटल 47 मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो वह मैच जीत सकती है इस पिच पर, क्योंकि डिफेंड में काफ़ी कम रन लग सकते हैं। अगर वहीं चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पे इस पिच पे इजली वे में मैच चेस कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी पिच है। इस पिच पे जितने भी अभी तक मैच खेले गए हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला, तो उम्मीद है कि ये भी मैच काफ़ी अच्छा हो। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम राजस्थान रॉयल्स की बात करें, नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है, काफ़ी फॉर्म में चल रही है। वहीं अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो पॉइंट टेबल में सबसे नंबर 1 पर जाके स्टेबल है। वहीं अगर बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। वहीं अगर दूसरी टीम लखनऊ सुपर गायंस की बात करें तो ये अगेंस्ट में आज का मैच खेलेगी, जो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त टीम है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। अगर पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग बात करें तो ये दूसरे नंबर पर स्टेबल है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प भी हो सकता है कि दोनों में से आज का मैच कौन जीत सकता है। तो काफ़ी जैकपॉट के भी संभावना हो सकती है इस मैच में। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब आगे बढ़ते हैं, लास्टली चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान रॉयल्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जो मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।